Hi India, welcome back to our YouTube channel that is Befikre Engineers. बहुत टाइम से हम वीडियोस नहीं डाल रहे थे. आई होप कि आप लोगों ने हमें मिस किया होगा. नहीं भी किया होगा तो इट्स ओके. काफी कुछ लाइफ में चल रहा था जिसकी वजह से काफी कुछ चेंजेस आए लाइफ में. रूटीन चेंज हुआ एंड ऑफकोर्स लॉकडाउन तो था ही. हम उस वजह से अपनी वीडियोज नहीं डाल पाए, ट्रैवलिंग नहीं कर पाए, कोई न्यू सीरीज नहीं स्टार्ट कर पाए. But during that phase, what I realized ki, how to keep yourself, keep going, even when you feel like giving up. Ki jab aapko ye lage ki saari opportunities band ho gayi hain, sab kuch khatam ho gaya hai, aapke business thap ho gaye hain ya fir aapki jobs chali gayi hain, to uske still us mode mein bhi aap khud ko motivated kaise rakh sakte ho. Aap apne goal, apne dreams ko kaise continuation mein usko continue rakh sakte ho. सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी जब अपॉर्चुनिटी चली जाती है उस पर जो हमारा सबसे बड़ा रीज़न जो बनता है वो होता है फियर. डर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ले आता है. डर होता है अगर मेरी जॉब चली गई तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा, अगर मेरा बिजनेस ठप हो गए तो मेरा फैमिली कैसे रन करेगी, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी कैसे दूंगा, मैनी मोर. तो ये जो डर होता है ना, ये आपको चीज़ें करने नहीं देता, कुछ न्यू एक्सप्लोर नहीं करने देता. और जो हम जैसे ही कुछ नया आता है या कुछ डिफ़िकल्ट टास्क आता है तो हमारा दिमाग क्या कहता है हमें, अरे बहुत मुश्किल है मत कर. अरे तो जस्ट सपोज जैसे सुबह अगर आपको वॉकिंग पे जाना है या रनिंग पे जाना है और आपको 4:30 उठना है तो इट वाज लाइक इफ दिमाग बोलेगा अरे सो जा यार, क्या करेगा रनिंग करके. क्योंकि जो हमारा ब्रेन है ना उसे ईजी और कम्फर्टेबल रहना बहुत पसंद है, तो वो नहीं चाहता कि वो कुछ टफ काम करे. तो वो सार्कास्टिक वे में आपको बताता है कि अरे ये काम बहुत मुश्किल है मत कर. तो लेकिन लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट की इजी एंड कंफर्ट. लाइफ इज़ अबाउट कि आप न्यू थिंग्स सर्च करो, एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग चीज़ों के साथ. लाइफ इज़ अबाउट लर्निंग, स्ट्रेचिंग, ग्रोइंग एंड मैनी मोर. तो इसको स्टार्ट करने में जब हम कोई भी गोल सेट करते हैं तो एट स्टार्टिंग फेज में हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, अरे मैं तो ये करूँगा. अगर मैं अपना ही बताऊँ तो मैं डेली एक न्यू आइडिए के साथ आती हूँ एंड आई वाज लाइक नवदीप अब से मुझे ये करना है. नहीं नवदीप अब से मुझे फिटनेस ट्रेनर बनने कि मैं खुद भी फिट हो जाऊँगी और ट्रेनर भी बन जाऊँगी. फिर नेक्स्ट डे नहीं नवदीप मुझे कुछ नया न्यू कंसल्टेंसी ओपन करनी है. सो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे रीजंस आते हैं ब्ला ब्ला. तो जब मैं उस स्टार्टिंग फेज में होती हूँ तो दो तीन दिन आई वॉज वेरी मोटिवेटेड और सब कुछ. जैसे ही कहीं पे कुछ फंसता है उस चीज़ को स्टार्ट करने में, देन आई वॉज लाइक नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं. तो इसलिए क्या रहता है कि हमें एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक मोटिवेटेड रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए हमारे अंदर. तो वो कैसे रहेगी, अगर हमारे अंदर का डर खत्म हो जाएगा. जो सबसे मेन फैक्टर है कुछ भी स्टार्ट करना है, स्टॉक मार्केट स्टार्ट करना है पैसा लगाना है डर है डूब गया तो, बिजनेस स्टार्ट करना है पैसा लगाना है डर है डूब गया तो, जॉब स्टार्ट करनी है बॉन्ड में स्टार्ट करनी है डर है कहीं इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करने देता डर. ठीक है ना, जैसे हमें ट्रैवलर नहीं बनने देता डर कि नहीं यार कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे, फुल टाइम हम ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक घर चाहिए और भी मैनी मोर कनेक्ट कर सकते हैं. तो फिर अब बात आती है कि हम फुल टाइम तक स्टार्टिंग से एंड तक मोटिवेट कैसे रखें अपने आप को. सो इसका सिंपल सा रीज़न है, देखो डर तो ख़त्म नहीं कर सकते, ये एक इमोशन है जो नेचुरली हमारे अंदर आता है. तो इसको ख़त्म करने के लिए जस्ट कभी भी आपको ये लगे कि ये नहीं करना है या फिर ये मुझसे नहीं हो रहा है, जस्ट एनालाइज व्हाई यू स्टार्टेड. आपका गोल क्या था, आप किस लिए कर रहे थे, व्हाई, जस्ट उसको व्हाई से कनेक्ट करो. जब भी आपको लगे यार मुझसे नहीं होगा मुझे नहीं करना, जस्ट रिमेंबर योर व्हाई. एक पेपर पर लिख के क्यों आप स्टार्ट कर रहे हो उसको अपने पास रखो. जब भी लगे कि नहीं अब गिव अप कर देना चाहिए, ओपन दैट पेपर, रिमेंबर दैट एंड स्टार्ट अगेन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ, दिस इज़ ऑल अबाउट कि कैसे मोटिवेटेड रहा जा सकता है. हाँ समटाइम क्या होता है ना, हम लोग वाई को ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ देते हैं कि ठीक है मुझे घर चाहिए या फिर मुझे गाड़ी चाहिए या फिर मुझे
ऑडी, बीएमडब्ल्यू, दिस दैट बड़ी कार चाहिए. बट क्या होता है, मीनवाइल अगर हम नहीं कर पाते तो वी आर लाइक कि ठीक है ना, बड़ा घर नहीं है तो छोटा तो है ही, ठीक है बड़ी कार नहीं है तो छोटी तो है ही. सो हम मेटेरियलिस्टिक नीड्स को रिक्वायरमेंट समझ के सेटल डाउन कर देते हैं. सो ट्राई करो कि आप अपने वाई को इमोशंस के साथ अटैच करो, क्योंकि जब आपके इमोशंस जुड़े होंगे ना, तब आपको वही पावर, वही सेम मोटिवेशन, वही सेम एक्साइटमेंट उस टाइम पे आपको एकदम से जनरेट हो जाएगी. सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, एंड इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे. मे बी कुछ अच्छा टॉपिक होगा तो दोबारा से डिस्कस करेंगे. अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड बाकी हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब करो. इंस्टाग्राम पे हम लाइव आते हैं, तो अगर आपको कुछ भी इंट्रैक्शन करना हो तो मोस्ट वेलकम गाइस. थैंक यू. नमस्ते इंडिया.